गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, वी विल हैव रीच्ड देयर डैश द टाइम ही कम्स बाय टिल, व्हाट इज द आंसर? सभी लोग एक बार सोच समझ के इसका आंसर बताएं. By and till, these are the prepositions that you have to use. मतलब इनमें से किसी एक का यूज करना है. आई थिंक दिस बट नॉट श्योर. बढ़िया, आज मैं आपको श्योर कर देता हूं हमेशा के लिए. देखो ये जो by preposition है ना बच्चे, और till है. Till तो basically preposition है ही time की, ठीक है. By जो है वो preposition time की भी है, manner की भी है, place की भी है, doer की भी है passive voice में. तो by preposition के बहुत uses हैं. By is a preposition of time, a preposition of place, a preposition of manner, a preposition of degree, a preposition of doer. तो by preposition के बहुत से uses हैं. Till is a preposition of time. तो अब हम इनको एक समझ लेते हैं कि when we use them as a preposition of time. अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमने subordinating clause लिखी है, We will have reached there. हम वहां पहुंच चुके होंगे. तो when, तो ये time. तो ये जो लिखे गए subordinating clause है ना, ये लिखे गए subordinating clause time है. चलो अब देखो, by का यूज हम करते हैं at और before the time mentioned, ठीक है. Till का मतलब होता है up to the time mentioned. तो जो सबसे पहले हमें सीखने वाली बात है वो ये सीखनी है कि by का मतलब होता है at और before the time mentioned, ठीक है. Till का मतलब होता है अप टू द टाइम मेंशन्ड. अप टू द टाइम मेंशन्ड, ये इसका मतलब होता है. तो सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है कि हम दोनों का मीनिंग सीखें कि by का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है. फिर से till का मतलब क्या है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, सभी ध्यान रखेंगे कि by when used as a preposition of time means at or before the time mentioned. Till when used as a preposition of time, it is actually always preposition of time, then it means up to the time mentioned. ठीक, ये ध्यान हो गया. चलो अब इसके क्या मतलब निकलते हैं, क्या हम इन्फ्रेंस ले सकते हैं इन मीनिंग से, उसको समझ लेते हैं. टिल के साथ जो लिखा गया टाइम होता है, जैसा कि हमें पता है कि टिल और बाई दोनों प्रेपोजिशन है. टिल के साथ लिखा गया जो टाइम होता है ना, वो डिप्रेशन वो मतलब रेफर करता है ड्यूरेशन को, पीरियड को, और वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, और वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करता है, ठीक है. बाई के साथ लिखी गई जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो वेन का रिप्लाई होते हैं और वो पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करते हैं. तो हमें यहां पर एक जो सबसे चीज मेन ध्यान रखनी वो ये है, हाउ लॉन्ग और वेन. बाई के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो टाइम के पॉइंट को रेफर करती हैं, ठीक है, और वो वेन का रिप्लाई होती हैं. हाउ और जो टिल के साथ लिखे गए प्रेपोजिशन फ्रेजेस होती हैं वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करती हैं और वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है. ये हमें ध्यान रखना है. कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपको हाउ लॉन्ग का रिप्लाई रिक्वायर्ड है तो आप यूज करोगे टिल, अगर आपको वेन का रिप्लाई रिक्वायर्ड है तो आप यूज करोगे बाय. तो जो बाई और टिल होती हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होती हैं, कई बार इनके यूज को लेकर हमें कन्फ्यूजन हो सकता है. तो अगर ये बातें आप ध्यान रखेंगे जो आपको बताई समझाई गई हैं तो मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन कभी होगा, ठीक है. अब देखिए, वी विल हैव रीच्ड देयर, ठीक है, हम वहां पहुंच चुके होंगे. हाउ लॉन्ग या वेन बताओ, जैसे हमने पूछा वी विल हैव रीच्ड देयर, वी विल हैव रीच्ड देयर, हाउ लॉन्ग या वेन. When will we have reached there?
और हाउ लॉन्ग विल वी हैव रीच देयर, हाउ का रिप्लाई, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई चाहिए, व्हेन का रिप्लाई ऑफ व्हेन। अगर हमें रिप्लाई ऑफ व्हेन चाहिए, इट मींस वी रिक्वायर अ पॉइंट, वी डोंट रिक्वायर ड्यूरेशन। तो अगर हमें ड्यूरेशन नहीं, पॉइंट का रिप्लाई चाहिए, तो फिर तो बात खत्म हो गई, बाई लिख दो। दिस इज द आंसर, वी विल हैव रीच देयर बाय द टाइम ही कम्स। ठीक है, चलो एक दो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, उनमें भी आप ब्लैंक फिल करके दिखाएं। फिल इन दिस ब्लैंक्स। सेट्स जो है उसके थ्रू हम क्या रिप्लाई करना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग शैल वी वेट हियर और व्हेन विल वी वेट हियर। ठीक है, तो अपने आप समझ में आएगा हाउ लॉन्ग का रिप्लाई चाहिए, तो यहां पर हमें चाहिए हाउ लॉन्ग का रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग शैल वी वेट, हम कब तक वेट करेंगे। ठीक है, वी शैल फाइंड हिम, हम उसको ढूंढ लेंगे, हाउ लॉन्ग शैल वी फाइंड हिम या व्हेन, व्हेन शैल वी फाइंड हिम, कब ढूंढ लेंगे। तो होता क्या है कि आप ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बाई के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम होती हैं, हाउ लॉन्ग के साथ लिखी गई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती हैं। आप सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझिए, ठीक है, और देख लीजिए व्हाट डू यू नीड, आपको किसकी जरूरत है, ड्यूरेशन की या पॉइंट की। ठीक है, तो हमें पता है कि वी रिक्वायर द रिप्लाई ऑफ हाउ लॉन्ग मीन्स ड्यूरेशन, टिल अंटिल भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, We shall find him as the sun sets. Why? Anything to ask? जी आपके डाउट्स का है, आप पूछ रहे। अच्छा, When do we use and at the beginning of a sentence? Please discuss it in the live session. Okay. आपके क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमने लिखा, he went there, he met his friend there, तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, he went there एक स्टेटमेंट हो गया, he met his friend there एक स्टेटमेंट हो गया, he went there and he met his friend there, he went there and he met his friend there। तो होता क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, कोई पर्सन कहीं गया है और अपने दोस्त से मिला है। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहो तो उनको सिंपल फुल स्टॉप यूज करके भी अलग अलग सेंटेंस यूज कर लो। ठीक है, तो भी ये ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है, और ऐसे ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप इनको कनेक्ट कर लो, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जो इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम एंड का यूज करके भी इनको लिंक कर सकते हैं, तो ही वेंट देयर एंड ही मेट देयर, तो ये दोनों तरीके सही हैं। अब कंफ्यूजन ये है पूछने वाले का, अपना लॉजिक डाउट ये है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इसको हम क्या माने, ये सही है या गलत है। जैसे ये तो सही है, इसको हम क्या माने सही है गलत है। तो मैं बता दूं, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, आपको ये नॉवेल्स में मिलेगा, स्टोरीज में मिलेगा। ठीक है, इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स की कॉन्टिन्यूटी शो करता है। ठीक है, द मैन जंप फ्रॉम द 15th फ्लोर एंड ही गॉट हिज लेग ब्रोकन। ठीक, तो ये जो एंड हम लिख देते हैं ना, एंड के साथ में हमने स्टेटमेंट शुरू कर दिया, तो इट सीम्स अ बिट ऑकवर्ड, तो हमें लगता है ये तो बड़ा अजीब स्ट्रक्चर बना दिया, एंड लिख दिया स्टार्टिंग में, लेकिन हमने कनेक्ट तो इसको किसी के साथ में किया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको नरेशन के समय मिलेंगे। ठीक है, नॉवेल्स में मिलेंगे जहाँ पर डायरेक्ट कोटेशन किसी का मेंशन किया गया होगा, स्टोरीज में मिलेंगे, लेकिन हमें ग्रामेटिकली यही दोनों फॉलो करने चाहिए। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज है भाई। एक भाई साहब, इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो ये कहेंगे लो हमारा तो रह गया, इनका भी रहना नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा डाउट भी है। चल देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, सेंटेंसेस को पढ़िए। ठीक है,
पढ़कर समझिए, बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। पढ़िए, दे फाउंड सम मिसिंग नेम्स, दे फाउंड सम नेम्स मिसिंग, देयर आर सम नेम्स मिसिंग, देयर आर सम मिसिंग नेम्स, देयर आर मिसिंग सम नेम्स। सबने पढ़ लिया। अब इन क्वेश्चंस पे हम माथा मारें, इससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लें, एक दो छोटी छोटी बातें उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब ट्रांसक्रिप्ट होती है, मोनो ट्रांसक्रिप्ट होती है, डाई ट्रांसक्रिप्ट होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्ट होती है, सब होती है। अब यहां पर ही नहीं मोनो ट्रांसक्रिप्ट वर्ब, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्ट वर्ब, यहां पे जॉब ऑब्जेक्ट है, गुड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो एडजेक्टिव जो गुड है ना वो प्रेडिकेट है, इसीलिए बाद में लिखा गया है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है वहां पे, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे गुड जॉब जो है ना वही पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें गुड को हमने एट्रिब्यूटिवली यूज किया है, यहाँ पे गुड को हमने प्रेडिकेटिवली यूज किया है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि फाउंड वर्ब दोनों तरीके से यूज होती है, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ही हैज फाउंड द जॉब गुड, तो इसका मतलब ही हैज फाउंड इट दैट द जॉब इज गुड, ही हैज फाउंड दैट द जॉब इज गुड, ये पहले वाले का मतलब है, ठीक है। तो वहां पे हम गुड लिखकर जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है गुड। दूसरे में क्या है, ही हैज फाउंड अ गुड जॉब, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो यहाँ पर जॉब जो है ना वो उसका डिस्क्रिप्शन है गुड, यहाँ पे वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा गया। तो एक तो ये डिफरेंस समझना है। चलो दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि अगर हम ये सेंटेंस लिख दें, ठीक, अगर हम एक सेंटेंस लिख दें द मैन इज मिसिंग, ठीक है, तो द मैन सब्जेक्ट हो गया, इसको हम वर्ब माने या हेल्पिंग वर्ब माने, मिसिंग को हम पार्टिसिपल माने या फाइनाइट वर्ब माने, ये बताओ। जैसे हमने लिखा द मैन इज मिसिंग, तो द मैन इज मिसिंग में हम मिसिंग को क्या कंसीडर करें, द मैन इज मिसिंग में हम मिसिंग को क्या कंसीडर करें, मिसिंग को हम नॉन फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करें या फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वो कंसीडर करें, क्योंकि मिसिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे फिर डिसाइड होगा कि हम इसको क्या कंसीडर करें। बताओ मिसिंग को क्या मानना ठीक है, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, बताओ, सोचिए। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं इस चीज को सोचना। मिसिंग लिखकर हम क्या रेफर कर रहे हैं, स्टेट ऑफ समबडी और समथिंग या एक्शन डन बाय और डन टू समबडी और समथिंग। व्हेन वी से द मैन इज मिसिंग, जब हम ये कह रहे हैं कि मैन इज मिसिंग, तो यहां पे मिसिंग लिखकर हम क्या रेफर कर रहे हैं, स्टेट या एक्शन। अगर स्टेट है ये तो ये पास्ट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, अगर एक्शन है ये तो फिर ये फाइनाइट वर्ब है। एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, क्योंकि हम स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं मैन की, द मैन इज नॉट हियर, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। तो जब हम ये लिख रहे हैं द मैन इज मिसिंग, तो ये मिसिंग वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, डिस्क्रिप्शन है मैन का, ठीक, तो ये एडजेक्टिव है, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बस ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एक चीज हो गई, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो डी, देयर आर सम कंफ्यूजिंग डाउट्स, there are some doubts confusing, ठीक है।
हियर जो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं टू रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग। हियर जो होता है ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसका यूज हम करते हैं टू रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग, टू रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग। ठीक है, देयर के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज है या नहीं है, थी या नहीं थी, होगी या नहीं होगी, ये बताते हैं। ठीक है, चलो अब यहां देखो, देयर आर सम कंफ्यूजिंग डाउट्स। तो यहां पे हम बता रहे हैं कि देयर आर सम डाउट्स, कि कुछ डाउट्स हैं, मतलब डाउट्स हैं या नहीं हैं, थे या नहीं थे, होंगे या नहीं होंगे, ये अगर हमें बताना है तो हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हम बता रहे हैं कि देयर आर सम डाउट्स, कि कुछ डाउट्स हैं, मतलब हम इस बात को इम्फेसाइज कर रहे हैं कि डाउट्स हैं, ऐसा नहीं है कि डाउट्स नहीं है, देयर आर डाउट्स, हैं डाउट्स। अच्छा, कैसे हैं डाउट्स, ये भी हमने बताने के लिए लिख दिया, कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग डाउट्स हैं, सीधे साधे नहीं है, थोड़े ट्रिकी डाउट्स हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं डाउट्स के होने के बारे में, कि डाउट्स हैं कि डाउट्स नहीं है। ठीक, अगले में जो देयर आर सम डाउट्स कन्फ्यूजिंग, ठीक, अब इसका मतलब हम क्या माने, क्या ये डाउट्स की कैटेगरी है? डाउट्स की कैटेगरी होती तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, कन्फ्यूजिंग डाउट्स। तो ये है क्या, अगर हम लिख दें देयर आर सम डाउट्स कन्फ्यूजिंग, तो इसका मतलब क्या माने, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है डाउट्स के बारे में, कि देयर आर सम डाउट्स एंड दे आर कन्फ्यूजिंग अस, और वो हमें कन्फ्यूज भी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से सही है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि हमें प्रेफर उस स्ट्रक्चर को ही करना चाहिए, दिस स्ट्रक्चर शुड नॉट बी प्रेफर्ड, देयर आर सम कन्फ्यूजिंग डाउट्स, कि कुछ डाउट्स हैं, कैसे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजिंग है, बात खत्म हो गई। अगर हम लिख देंगे देयर आर सम डाउट्स, तो बात तो पूरी होगी कि कुछ डाउट्स हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डाउट दे डूइंग, अब कर क्या रहे हैं वो डाउट्स जो हैं, देयर आर सम डाउट्स कन्फ्यूजिंग, वो हमें कन्फ्यूज कर रहे हैं। तो अब फोकस जो है ना वो कन्फ्यूजिंग पे चला गया। तो अगर हम कन्फ्यूजिंग को, जो कि पार्टिसिपल है, नाउन के बाद लिख देंगे तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना कि एडजेक्टिव्स को अगर इम्फिसाइज करना है तो वो नाउन से अलग लिख के यूज किए जाते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखने का मतलब होता है कि हम उस एडजेक्टिव को इम्फिसाइज कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव जिस क्वालिटी को, जिस स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा फोकस उस पर है, नाउन पे कम है। मैं इस बात को समझाता हूँ आपको, जैसे जब हम एडजेक्टिव वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया जाता होगा कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज अ ब्रेव बॉय, ठीक है, और हमने लिखा द बॉय इज ब्रेव, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय और द बॉय इज ब्रेव, तो ध्यान से देखो, ये ब्रेव यहां पर हमने यूज किया है एट्रिब्यूटिवली, बॉय नाउन के साथ में लिखकर, ये ब्रेव हमने यूज किया है प्रेडिकेटिवली, बॉय नाउन जो है वो सब्जेक्ट है और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट बनाकर, ठीक है। अब हमें देखने में लगेगा कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम सही है, फिर ऐसा क्यों किया, ही इज अ ब्रेव बॉय कहो या द बॉय इज ब्रेव कहो, बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बॉय है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ब्रेव है, यहाँ पे ब्रेव सेकेंडरी है, यहाँ पे ब्रेव प्राइमरी है, ठीक है। तो अगर हमें किसी बॉय के ब्रेव होने को इम्फिसाइज करना हो, कि वो ब्रेव है, इस बात पे इम्फिसाइज करना हो, ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब है, तो हम वहां पर फोकस करेंगे ब्रेव एडजेक्टिव को बाद में लिखकर। तो द बॉय इज ब्रेव जब हम कहते हैं तो फोकस ब्रेव पर होता है, हम उस बॉय की उस क्वालिटी को जिसको वो ब्रेव एडजेक्टिव रेफर कर रहा है हाईलाइट कर रहे हैं, इम्फिसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहेंगे ही इज अ ब्रेव बॉय तो ब्रेव पे उतना इम्फेसिस नहीं है। तो ये जो हमने लिखा देयर आर सम कंफ्यूजिंग डाउट्स, यहाँ पे फोकस है डाउट्स पर कि डाउट्स हैं, यहाँ पर फोकस है डाउट्स के टाइप पर कि वो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये जब बातें आपको सारी समझ में आ जाए, ये देयर का यूज, ठीक है, ये मिसिंग का यूज, और ये आपका फाइंड वर्ब का यूज। फाइंड जो होती है वो मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, तीनों तरीके की वर्ब होती है। अब इतनी सारी बातों का आप ध्यान रख लोगे तो फिर मुझे लगता है ये सेंटेंसेस आपको समझ में आएंगे। चलो, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस किए हैं, बताइए ये लिखे गए सेंटेंसेस सही है गलत, सभी लोग बताएं इनमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर टोटल 5 सेंटेंसेस,
जो अभी हमने डिस्कस किया उसको ध्यान में रखते हुए बताइए कि विच ऑफ दीज फाइव सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड विच वंस आर नॉट। यहां पर हमारे लिए ये समझना, ये जो स्टोलन हमने फोन के लिए यूज किया, ये जो स्टोलन हमने फोन के लिए यूज किया और ये जो स्टोलन हमने फोन के लिए यूज किया, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ये समझना हमारे लिए यहाँ पे बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है हैव टेस्ट वर्ब लिखी हुई है, हैव टेस्ट वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, हैव टेस्ट वर्ब लिखी हुई है, तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि ये स्टोलन गड़बड़ जगह लिख दिया, ठीक है। ये जो हमने लिखा ना, दे हैव ट्रेस्ड स्टोलन द फोन, तो हमें पता है स्टोलन की पोजिशन गलत है। या तो आप स्टोलन को लिखोगे ऐसे कि दे हैव ट्रेस्ड द स्टोलन फोन, कि चोरी हुए फोन को उन्होंने ट्रेस कर दिया है, तो फोकस यहाँ पर फोन पर है कि उन्होंने फोन को ट्रेस कर लिया है। कैसा फोन? जो चोरी हुआ है, वो सेकेंडरी है, फोन ट्रेस हो गया है। अगर हम लिख दें दे हैव ट्रेस्ड द फोन स्टोलन, द फोन स्टोलन का मतलब हम इम्फेसाइज कर रहे हैं फोन को कि वो चोरी हुआ वाला फोन जो है वो उन्होंने ट्रेस कर लिया। मान लो कोई दो चार फोन और भी हैं, उनमें से एक जो है वो चोरी हो गया है, एक दो कहीं गिर गए या गुम गए या बह गए नदी में, तो हम कह रहे हैं जो चोरी हुआ वो फोन ट्रेस हो गया, तो हम लिखेंगे दे हैव ट्रेस्ड द फोन स्टोलन। तो ये जो स्टोलन एडजेक्टिव है, मेन वर्ब तो है नहीं, तो हमें पता ही स्टोलन जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ भी स्टोलन एडजेक्टिव है, यहाँ भी स्टोलन एडजेक्टिव है और यहाँ भी स्टोलन एडजेक्टिव ही होगा, वर्ब हो नहीं सकता, वर्ब तो हैव ट्रेस्ड लिखी हुई है, तो हमें पता ही ये सही है वो सही है ये गलत है। तो यहां पर यह समझना हमारे लिए बहुत आसान है कि ये सही और ये गलत। पता वजह क्या? वजह है हैव ट्रेस्ड। हैव ट्रेस्ड फाइनाइट वर्ब है, उसको देखकर हम जान जाते हैं कि स्टोलन गलत जगह लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे हमें कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? ठीक है, यहां पर हमें कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? यहां पे कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम आर को वर्ब ना समझ के हेल्पिंग वर्ब समझ के मिसिंग को मेन वर्ब मानने लगते हैं, तो गड़बड़ होती है। तो इसीलिए मैंने भाई पहले बता दिया था कि जो मिसिंग है ना, तो मैंने पहले बताया था मिसिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब मानने की गलती करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मिसिंग पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, वो वर्ब नहीं है। अब होता क्या है कि हैव ट्रेस्ट के साथ स्टोलन लिखोगे तो अपने आप पकड़ में आएगा गलत है, आर के साथ मिसिंग लिखोगे तो आदमी सोचेगा मिसिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, या तो एडजेक्टिव यहां लिखो या एडजेक्टिव यहां लिखो, ये एडजेक्टिव की कोई पोजिशन नहीं है ना, ठीक है, तो ये जो है नहीं गलत है। Why is double future not used? Next example, next class में discuss करेंगे। Double future हम क्यों नहीं use करते हैं, ये हम discuss करेंगे next class में। आज के लिए बस इतना ही।